हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैमेडिकल विज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है लिपिड्स। आज हम जानेंगे लिपिड्स क्या होता है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, साथ साथ हम देखेंगे लिपिड्स की क्लासिफिकेशन कि लिपिड्स को हमारे कैसे क्लासिफाई करा है, कितने टाइप के हमारे लिपिड्स होते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लिपिड्स लिपिड्स देखो, हमारा एक ग्रीक वर्ड से आया है। ग्रीक वर्ड क्या होता है हमारा? लाइपोस। लाइपोस से आया हमारा लिपिड। लाइपोस का मतलब क्या होता है? फैट। तो लिपिड क्या? एक तरीके का फैट है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखें हम तो लिपिड्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच आर इनसॉल्यूबल इन वाटर, जो कि इनसॉल्यूबल होते हैं वाटर में, यानी कि पानी में नहीं घुलते हैं ये, और सॉल्यूबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जैसे कि अल्कोहल, ईथर, बेंजीन, ये सब क्या होते हैं, इन सब में हमारा जो लिपिड होगा वो घुल जाएगा, उसमें मिक्स हो जाएगा, लेकिन पानी से दूर भागेगा। ठीक है, इनसॉल्यूबल होते हैं पानी में, पानी में नहीं घुल पाएगा वो होते हैं हमारे लिपिड्स। तो लिपिड्स आपका मेजरली किससे बना होता है? सिंपलेस्ट लिपिड की बात करूँ, बिल्कुल सिंपल लिपिड की, तो लिपिड आपका बना होगा फैटी एसिड और अल्कोहल को मिला के। हमारा जो फैटी एसिड है उसमें हम अगर अल्कोहल मिला दें तो क्या बन जाएगा? आपका लिपिड्स बन जाएगा। ठीक है, तो फैटी एसिड मैंने आज से पहले वाले लेक्चर में आपको बता दिया फैटी एसिड क्या होता है, म्यूफा, प्यूफा, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सब बता दिया आपको, स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ बता दिया आपको फैटी एसिड के बारे में। अब हम पढ़ेंगे लिपिड्स। ठीक है, तो फैटी एसिड में हम मिला देंगे अल्कोहल तो क्या बन जाएगा? हमारा लिपिड्स बन जाएगा। अब कैसे बनेगा वो आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर हमारा ग्लिसरॉल का। ग्लिसरॉल में देखिए CH2OH, CHOH और CH2OH, ये हमारा क्या हो गया? ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब ये आगे हमारी फैटी एसिड की एक चेन। ठीक है, ये हमारी हाइड्रोकार्बन की चेन है एक, इधर आपका कार्बोक्सिल ग्रुप लग रखा है। ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ और इधर OH, ये हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप लग रखा है। अब इसमें देखो, ये हमारा OH हमने हाईलाइट कर रखा है, इधर से हमारे H हाईलाइट कर रखा है। तो जब ये मिलेंगे ना, अल्कोहल है, फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल ओल मतलब अल्कोहल, ये दोनों जब मिलेंगे तो क्या होगा? आपका वाटर आपका रिमूव हो जाएगा इसमें से। ठीक है, तो आपका वाटर निकलेगा और आपका ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? लिपिड्स बना लेंगे। तो जैसे कि ये देखिए, ये मिले और क्या बना लिया इसने? ट्राई असाइल ग्लिसरॉल। अभी आप देखेंगे कि ये तो एक चेन है लेकिन इसमें तीन चेन होती हैं, क्योंकि आपका तीन जगह अटैचमेंट पॉइंट है ना इसके, एक जगह, दो जगह, तीन जगह। तो एक जगह से निकला, दूसरी जगह से एक और वाटर निकलेगा, तीसरी जगह से एक और वाटर निकलेगा, तो तीन वाटर के मॉलिक्यूल निकलेंगे और आपका क्या होगा? तीन चेन इसके साथ अटैच हो जाएंगी। अटैच कैसे होंगी? जैसे इधर से एच निकला, ठीक है, तो ये जो ओ है, एक बॉन्ड तो उसने बना रखा है कार्बन के साथ इधर, दूसरा इस वाले कार्बन के साथ बना लेगा। ठीक है, तो जैसे आप ये देख सकते हैं इधर, तो सी ओ ने एक इधर बॉन्ड बना रखा था इस वाले कार्बन के साथ, एक इस वाले कार्बन के साथ बना लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका अटैच हो गया इधर चेन के साथ क्या? ग्लिसरॉल। ये तो एक चेन के साथ अटैच हो गया, दूसरी चेन के साथ ये अटैच हो गया, ऐसी तीसरी चेन के साथ ये अटैच हो गया, तीनों मिलकर क्या बना लिया इसने? ट्राई असाइल ग्लिसरॉल। ठीक है, तो ये ट्राई असाइल ग्लिसरॉल क्या है हमारा? सबसे सिंपलेस्ट लिपिड है। ठीक है, सबसे सिंपल लिपिड होता है हमारा ट्राई असाइल ग्लिसरॉल, फैट्स एंड ऑयल्स में आता है आपका ये। अब ये देखिए, लिपिड को और डिटेल में समझ लेते हैं। हमारी जो सेल होता है, हमारी जो सेल की मेम्ब्रेन होती है, उसको मैंने बताया था आपको कि हमारी जो सेल की मेम्ब्रेन होती है वो बनी होती है हमारी फोस्फोलिपिड बायलेयर से। ठीक है, हमारी सेल मेम्ब्रेन बनी होती है, बायलेयर होती है, मतलब दो लेयरें होती हैं, फोस्फोलिपिड से बनी होती हैं। फोस्फो अभी उसको देखेंगे हम, लिपिड से बनी होती हैं मेजरली, आप ये ध्यान रखो, लिपिड से बनी होती हैं। तो उसको देख लेंगे हम, जैसे कि आप ये देखिए, ये हमारा लिपिड का मॉलिक्यूल है, ये एक चेन ये रही, एक चेन ये रही। ठीक है, उल्टी चेन है, एक ये वाली चेन हो गई, एक ये वाली चेन हो गई। ठीक है, इसका जो ये वाला मॉलिक्यूल है ना, इसको देखेंगे हम, तो इसमें एक हेड है, एक टेल पार्ट है। तो जो हेड पार्ट होता है वो क्या होता है हमारा? हाइड्रोफिलिक होता है, जैसे कि वाटर लविंग होता है वो। ठीक है, और जो हमारा टेल वाला पार्ट होता है वो कैसा होता है हमारा? हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से दूर भागेगा, और हाइड्रोफिलिक मतलब पानी के पास जाएगा, पानी से प्यार करेगा। ठीक, फिलिक मतलब लविंग। ठीक, तो ये देखिए, इसमें फॉस्फेट ग्रुप भी जुड़ा हुआ है ऊपर। ठीक है, तो ये देखिए, इधर ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल अभी हमने देखा, ग्लिसरॉल के साथ क्या है? चेन अटैच है फैटी एसिड की। ये जो दो आपको लाइनें दिख रही है ना, ये क्या है हमारे? फैटी एसिड है, एक सैचुरेटेड है, एक डबल बॉन्ड आ गया इसमें, एक अनसैचुरेटेड है। ठीक है, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? इस पूरे के पूरा एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं हमारा। ठीक है, और पूरे सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बना रहे हैं? हमारी मेम्ब्रेन बना रहे हैं बायलेयर की, फॉस्फोलिपिड की बायलेयर मेम्ब्रेन बना रहे हैं। अब इधर फॉस्फो के बोला इसको हमने, क्योंकि हमारा जो लिपिड का मॉलिक्यूल है ये, इसके साथ क्या जुड़ गया हमारा? एक फॉस्फेट आके जुड़ गया, तो उसको क्या बोल दी हमने? फॉस्फोलिपिड। ऐसे सल्फर आके जुड़ जाता तो सल्फोलिपिड। ठीक है, स्विंगोसाइन आके जुड़ जाता तो आपका ग्लाइकोलिपिड। ऐसे ही आपके कॉम्प्लेक्स लिपिड्स बोलते हैं इनको हम, ये कॉम्प्लेक्स लिपिड्स होते हैं। अभी बताता हूँ आपको क्या होते हैं ये। तो ये स्ट्रक्चर होता है आपका लिपिड का। ठीक है, लिपिड का एक जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है उसका स्ट्रक्चर है, इसको ऑलरेडी मैंने पहले आपको बता रखा था। सेल मेम्ब्रेन में नहीं देखी हो तो वीडियो देख लेना अभी आई बटन पे क्लिक करके। ठीक है, वीडियो के बाद।
अब ये देखो, हम पढ़ते हैं लिपिड्स की क्लासिफिकेशन। लिपिड्स हमारे कितने टाइप के होते हैं? लिपिड्स को देखो, हमने तीन पार्ट्स में क्लासिफाई कर रखा है, सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स एंड ड्राइव्ड लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स क्या होते हैं? उसमें आते हैं हमारे फैट्स एंड ऑयल्स और हमारे वैक्सेस। जैसे फैट्स एंड ऑयल का भी हमने एग्जांपल देखा, ट्राइसाइल ग्लिसरॉल, तो उसी का एग्जांपल हमारा फैट्स एंड ऑयल का, ठीक है। बाकी आपको इस लेक्चर के बाद में, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स, ड्राइव लिपिड्स सब एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो फैट्स एंड ऑयल्स हमने देखा एग्जांपल, तो सिंपल लिपिड्स का आपको बिल्कुल टाइप होता है ये। दूसरा आता है इसके बाद कंपाउंड लिपिड्स। कंपाउंड लिपिड्स देखिए क्या होता है, कंपाउंड लिपिड्स को हम कॉम्प्लेक्स लिपिड्स बोलते हैं। कंपाउंड लिपिड्स वो होती हैं जिसमें इन लिपिड्स में, सिंपल लिपिड्स में कुछ एक्स्ट्रा, एक अलग से एक मॉइटी आके जुड़ जाए, कोई एक और चीज़ आके जुड़ जाए। जैसे फॉस्फेट, अभी हमने देखा कि फॉस्फेट आके जुड़ गया तो फॉस्फोलिपिड बोल दिया उसको, ठीक है। तो फॉस्फेट आके जुड़ गया तो फॉस्फोलिपिड हो गया। ग्लाइकोलिपिड्स आता है इसमें, सल्फोलिपिड्स आता है और लाइपोप्रोटीन्स आता है। तो ग्लाइकोलिपिड्स में क्या होगा, आपका स्विंगोसाइन आके अटैच हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी आपके, आपका जो ब्रेन होता है ना, उसमें ग्रे मैटर होता है, वाइट मैटर होता है, उसमें आपके काम आते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। इसके अलावा आपका सल्फोलिपिड होता है, सल्फर आके जुड़ गया इन लिपिड्स में तो क्या बोल देंगे उसको, हम सल्फोलिपिड बोल देंगे। लाइपोप्रोटीन्स, लिपिड के साथ प्रोटीन आके जुड़ रखा है, जिसमें आपका क्या आता है, HDL, VLDL, LDL, आपके कोलेस्ट्रॉल का जब टेस्ट कराता हूँ लिपिड प्रोफाइल, तो उसमें आता है लिपिड प्रोफाइल के अंदर HDL, LDL, वो सब क्या है हमारे, लाइपोप्रोटीन्स होते हैं सारे सारे वो, ठीक है। तो ये सब आता है इसमें कंपाउंड लिपिड्स में। अब आता है ड्राइव्ड लिपिड। ड्राइव्ड मतलब होता है डेरिवेटिव, यानी कि इन लिपिड्स को जो अगर अगर हम हाइड्रोलाइज करेंगे, ठीक है, तो आपका क्या निकलेगा, आपका ड्राइव्ड लिपिड निकलती हैं, ड्राइवेशंस इसी के होती हैं ये, ठीक है। ड्राइव्ड लिपिड, ड्राइव्ड लिपिड में आपका क्या क्या चीज़ें आती हैं, स्टीरॉइड्स आता है, टर्पीन्स आता है, कैरोटीन्स आता है और आपका कोलेस्ट्रॉल आता है। ये सारी चीज़ें आती हैं किसमें, हमारे ड्राइव्ड लिपिड में। तो उसको ही बताऊंगा आपको ड्राइव लिपिड्स क्या होते हैं। ये सबसे लास्ट वाला टॉपिक होगा हमारे लिपिड्स का, उसको भी देखेंगे बाद में। तो आपका जो फॉस्फोलिपिड है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसमें आता है हमारा फॉस्फोग्लिसराइड, फॉस्फोआइनोसाइटाइड और फॉस्फोस्विंगोसाइट, ठीक है। ये तीन चीज़ें आती हैं इसमें फॉस्फोलिपिड्स में। और आपका जो ग्लाइकोलिपिड है वो भी फर्दर डिवाइडेड हो रखा है किस किस में, गैंग्लियोसाइड्स में और सेरिब्रोसाइड्स में। तो ये हमारी क्लासिफिकेशन होती है हमारे लिपिड्स की। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर इतना ही था हमारा लिपिड्स का, कि लिपिड्स क्या होता है और उसकी क्लासिफिकेशन क्या होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे इन क्लासिफिकेशन को एक एक करके, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने क्लासमेट्स और वीडियो को जरूर शेयर कर देना। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।